हरिद्वार में एक पति ने अपनी पत्नी को योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या कर दी, जिसकी दर्दनाक मौत का खुलासा एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल ने कर दिया है। अपराधी से पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि मृतका आरोपी की दूसरी पत्नी थी और अपराधी को पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसको लेकर अपराधी ने अपनी ही पत्नी की योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी। हुई थी, सूचना मिली थी और क्योंकि वो उसकी बॉडी भी अज्ञात में ही थी, उसका कोई पता नहीं चल पाया था और उसका गला दबा के, चुन्नी से उसका मुंह दबा के और गले में उसका स्ट्रैंगुलेशन था। क्योंकि मामला संगीन था, इसलिए पुलिस ने तुरंत इसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत अपनी ओर से एक अभियोग पंजीकृत किया, क्योंकि अज्ञात में मुकदमा था और कोई भी इसका वेयर अबाउट नहीं था, कोई मिसिंग भी कहीं नहीं थी। पुलिस ने इसमें लगातार बैक ट्रैक करते हुए पीछे सीसीटीवी कैमरास के लगातार मॉनिटरिंग करी, तो पुलिस को करीब एक कुछ संदिग्ध का एक हमें पता लगा। उसको जब आगे पता किया उसके बारे में, तो 27 की घटना का हमें पता लगा कि 27 तारीख को यह घटना की गई है। इसमें जो मृतका है उसका नाम रागिनी है और ये मूलतः इलाहाबाद की रहने वाली थी, और इसका जो पति है सागर उर्फ करण वो बांदा का रहने वाला था। ये इस मृतका की चौथी शादी थी और जो ये जो सागर उर्फ करण है, इसने किसी बातों से इनके बीच में मतभेद हुआ और उसको ध्यान में रखते हुए इसने इसकी हत्या करी। क्योंकि दोनों ही मृतका और अभियुक्त दोनों बाहर के थे, यहाँ पर इनका कोई वेयर अबाउट नहीं था, इसलिए पुलिस को इसे पकड़ने में काफ़ी परेशानी हुई। पर कोतवाली पुलिस और एसओजी ने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को खोल के इस अभियोग का अनावरण सफल किया है, इसलिए इस पूरी टीम को मेरी ओर से इनाम की घोषणा भी की है।